friends. I was discussing with you capital structure. How to determine capital structure of a company, of a firm. In my first part, I have discussed net income approach. Today I will discuss net operating income approach in determining capital structure. Then I will let you know the difference between these two approaches and how do they affect the capital structure. Now, net operating income approach has been suggested by Durand. This is diametrically opposite to net income approach. The essence of this approach is a capital structure decision of a firm is irrelevant. Capital structure is irrelevant. Very first feature. The capital structure is irrelevant. Any change in leverage will not lead to any change in total value of the firm. Any change in leverage shall not lead to change in value of firm. No relationship between leverage and value of firm. Because the capital structure that I have already told you, capital structure will remain same. Leverage is when you change the composition of capital, that is equity with debt and debt with equity. Arthat, यदि आप डेट और इक्विटी में कोई परिवर्तन के अनुपात में कोई परिवर्तन करते हैं, ऐसा परिवर्तन कंपनी के वैल्यू में कोई अंतर नहीं करेगा. वैल्यू ऑफ द फर्म शैल रिमेन अनचेंज्ड. ये वैसा ही बना रहेगा. And the market price of shares as well as overall cost of capital is independent of degree of change. Market price of share, MP of shares, and overall capital, overall cost of capital are independent. Independent of degree of leverage. Independent of degree of leverage. माने लीवरेज में कंपोजिशन में कोई भी आप अंतर करते हैं, अनुपात में कोई भी अंतर करते हैं, जैसे मार्केट प्राइस, शेयर का मार्केट प्राइस और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों इंडिपेंडेंट ही रहेंगे. So, what happens in this case? Capital structure irrelevant. Any change in leverage will not change the value of firm. Market price of share and overall cost of capital, they are independent of degree of leverage. So, सबसे बड़ा इसमें ये है कि overall cost of capital is constant. 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 The next importance hai, next feature hai,
रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी, रेसिडुअल वैल्यू होती, इक्विटी की वैल्यू क्या है, रेसिडुअल वैल्यू है। रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी के वैल्यू जो रेसिडुअल हो गया, अर्थात जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है, तो हम क्या करेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर में, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, रेसिडुअल इज वैल्यू ऑफ इक्विटी, अर्थात ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में से जब हम इक्विटी को निकालना होगा तो हम उसमें से डेट को निकाल लेंगे, जो रेसिडुअल जो बचा रहेगा वो हो, अर्थात क्या है ये कॉस्ट ऑफ, जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा कांस्टेंट है, तो आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमेशा डेट को घटा देना पड़ेगा, उसके बाद जो भी बचेगा वो आपका इक्विटी होगा, जो घटता बढ़ता रहेगा, ओवरऑल घटता बढ़ता नहीं रहेगा, इक्विटी विल चेंज, वैल्यू ऑफ इक्विटी विल चेंज, चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, अर्थात जो चेंज जो नजर आएगा वो होगा, चेंज विल बी इन चेंज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, चेंज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नाउ ऑप्टिमम कैपिटल, द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज अनअफेक्टेड बाय कैपिटल, नो मैटर व्हाट द डिग्री ऑफ लीवरेज इज, टोटल फर्म विल रिमेन, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन कॉन्स्टेंट, मार्केट प्राइस विल ऑल्सो नॉट चेंज विद द चेंज इन डेट इक्विटी रेशियो, There's nothing as optimum capital structure. सबसे बढ़िया बात यह है कि इस पर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नाम के कोई चीज नहीं है, क्योंकि क्योंकि लीवरेज में परिवर्तन होने से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैल्यू ऑफ फर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एवरी कंपोजिशन, जो भी कंपोजिशन आप कॉस्ट एंड कंपोजिशन आप डेट एंड इक्विटी का रखेंगे वही ऑप्टिमम होगा, जो भी है वही ऑप्टिमम माना जाएगा। अब थोड़ा प्रॉब्लम लेके इसको हम लोग देखते हैं, एक प्रॉब्लम लेके इसको समझें, तब आपको फिर दोनों में हम डिफरेंस बताएंगे। समझ लीजिए एक फर्म है और उस फर्म का नेट ऑपरेटिंग ईबीआईटी 50,000 रुपया है, ईबीआईटी इज 50,000, ठीक, ईबीआईटी इज 50,000, डेट जो है आउटस्टैंडिंग डेट जो है वो 10% वाले आउटस्टैंडिंग डेट, ₹2,00,000 के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट, अब देखिए इसको, देखिए समझने का उसका समझिए इसको, ईबीआईटी फर्म का कितना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 50,000 रुपया, फर्म के पास क्या है, पहला बता रहा है फर्म के पास 10% वाले डेट है, कितने रुपए के, 2,00,000 रुपए के, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है आपका, 12.5%,
इस उसमें क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नंबर वन। कैपिटल स्ट्रक्चर रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, ईबीआईटी जो है पचास हजार यही बटेगा एट द रेट किस रेट से बटेगा, ये जो बटेगा किसको दिया जाएगा, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर्स को, और जो दिया जाएगा दोनों का जो कंबाइंड परसेंटेज है ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.5%। इसका माने हमारा वो कितनों पर बटेगा, सो ओवरऑल कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.5%। तो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना हुआ, वैल्यू ऑफ फॉर्म 4,00,000 रुपया। देखिए ये 4,00,000 रुपया 50,000 रुपया बटा किन लोगों को, जिनके पास 4,00,000 कैपिटल टोटल है, तो कितना परसेंट में बटेगा, 12.5% से ही तो बटेगा। तो ओवरऑल हमारा कैपिटल वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना हो गया, 4,00,000 रुपया। डेट कितना है हमारे पास, डेट है 2,00,000 रुपया। इक्विटी कितनी हो गई, 2,00,000 रुपया। ठीक, 2,00,000 रुपया। अब देखिए हमारे पास हमारा ईबीआईटी कितना है, 50,000। हमको डेट होल्डर्स को कितना देना है, 10% की रेट से देना है, अर्थात ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कितना हुआ, 50,000 माइनस 20,000, तो बचे कितने हैं, 30,000। 50,000 में से आउट ऑफ 50,000 यू विल पे टू डेट होल्डर्स एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10% यू विल पे, सो हाउ मच यू आर पेइंग, 2,20,000। सो आउट ऑफ 50,000 फर्स्ट यू पे ऑफ 20,000, व्हाट रिमेन्स, रेसिडुअल इज इक्विटी, रेसिडुअल इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, रेसिडुअल कितना है, 30,000। हमारे इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं, 2,00,000 रुपए के, तो आपको कितना मिलेगा, कितना दिया जाएगा इनको, तो कॉस्ट कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हुई, 15%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हुई, 15%। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लीजिए, ओवरऑल कैसे निकालेंगे, ओवरऑल ओवरऑल निकालेंगे सबसे पहले 0.10 2,00,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000 प्लस 0.15 2,00,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000 है। आपका ओवरऑल कैपिटल कितना है, 4,00,000, लिव इन 4,00,000, तो इन 4,00,000 में से 2,00,000 डेट है, 2,00,000 इक्विटी है, तो 2,00,000 डेट को हमने हमको कितना दिया गया, 0.10 10%, और 2,00,000 को कितना दिया गया, अभी हमने कैलकुलेट किया 15%, अर्थात 0.15। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हुआ, 12.5। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हुआ, 12.5। अर्थात इनका जो वो था फीचर था कि कॉस्ट आपका कैपिटल स्ट्रक्चर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, 4,00,000 रह गया, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन कॉन्स्टेंट, यस 12.5 पहले भी था अब भी है,
और इक्विटी की वैल्यू क्या हुई? इक्विटी की वैल्यू ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में से डेट को निकाल देने के बाद जितना आया रेसिड्यू, रेसिड्यू कितना है? 2 लाख रुपया, वो आपका इक्विटी वैल्यू हो गई। ठीक, अब हम परिवर्तन करके देखते हैं। यदि हम ये करते हैं, 2 लाख 2 लाख हमारे पास दोनों है, हम 1 लाख की इक्विटी को बेचकर कहते हैं, हम खरीदते हैं किसको है, बढ़ाते किसको है, डेट को बढ़ाते हैं, ओवरऑल आपका 4 लाख ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन जो 2 लाख 2 लाख था उसके जगह हम डेट कर लेंगे कितना, हाउ मच, 3 लाख्स, इक्विटी कितना कर लेंगे, 1 लाख। तो इफ इक्विटी बिकम्स 3 लाख, सो ओवरऑल विल रिमेन द सेम, ओवरऑल में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो जो भी आपका कंपोजिशन हो, जो भी लीवरेज हो, देर विल बी नो चेंज, सो ओवरऑल कॉस्ट विल रिमेन हाउ मच, ओवरऑल उतना रहेगा। अब आप देखिए, ओवरऑल विल रिमेन सेम कॉन्स्टेंट, 4 लाख, इस पर कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि ना तो इस पर परिवर्तन हो रहा है ना तो इस पर परिवर्तन हो रहा है, तो ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर विल रिमेन 4 लाख। नाउ डेट इज हाउ मच, डेट इज 3 लाख डेट, सो रेसिड्यू इज इक्विटी हाउ मच, 1 लाख, रेसिड्यू इज 1 लाख। ईबीआईटी में से देखिए, ईबीआईटी 50,000, नाउ डेट हैज बिकम 3 लाख, इन प्लेस ऑफ 2 लाख इट हैज बिकम 3 लाख, सो हाउ मच, 3 लाख को 10% मिलेगा, अर्थात कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 30,000। सो ईबीआईटी 50,000 माइनस 30,000 हाउ मच रिमेन्स, रेसिड्यू इज 20,000। जो 20,000 रेसिड्यू है ईबीआईटी का, और हमारा रेसिड्यू इक्विटी कितना है, 1 लाख, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाउ मच, 20% हो गया, क्योंकि 20,000 यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एज डिविडेंड टू हाउ मनी, टू शेयर होल्डर्स इक्वलिंग टू 1 लाख रुपीज, इट इज 20%। अब ओवरऑल निकालिए, ओवरऑल निकालिए, ओवरऑल में क्या अंतर आएगा, व्हाट विल द डिफरेंस, ओ कैपिटल स्ट्रक्चर शैल रिमेन सेम बट व्हाट हैपेंड, योर डेट हैज बिकम हाउ मच, इन प्लेस ऑफ 2 लाख इट इज 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स हाउ मच, 3 लाख, 10%। नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटीज हाउ मच, 20%, 0.20, और हमारे पास कितना बाकी रह गया है, कितना बाकी रह गया हमारे पास, इक्विटी हमारी कितनी है, 1 लाख रुपए की, देखिए कितना हुआ, वही
12.5%. 12.5%, 0.125. सो पहला चीज क्या है, जब हमने लीवरेज किया, डेट को बढ़ाया, इक्विटी को कम कर दिया, उससे हमारा रेसिड्यू तो इक्विटी हो गया पर ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं आया, न ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। यदि जस्ट हम इसका रिवर्स करते हैं, अर्थात ये हमारा एज इट इज रह जाता है क्योंकि कोई चेंज होना नहीं है। यदि हम इक्विटी को बढ़ा देते हैं और डेट को घटा देते हैं, 1,00,000 डेट को घटा दिया, 1,00,000 डेट को घटा दिया, तो हमारा रिमेनिंग इक्विटी कितनी हो गई, ये 4,00,000 ही रहा, ये 4,00,000 ही रहा। तो हमारा ओवरऑल वो रहा 4,00,000। हमारा इक्विटी डेट 2,00,000 से कम होकर 1,00,000 हो गया। हम डेट को कम कर रहे हैं, इक्विटी को बढ़ा रहे हैं, तो डेट रिमेन हुआ हाउ मच, 1,00,000। तो हमारा इक्विटी कितना वैल्यू हो गया, 3,00,000। EBIT हमारा 50,000 था, नाउ हाउ मच यू आर पेइंग आउट ऑफ 50,000, हाउ मच यू आर पेइंग टू डेट होल्डर्स, 10,000। हाउ मच रिमेन्स, 40,000। नाउ 40,000 इज पेड टू हाउ मनी इक्विटी होल्डर्स, 3,00,000। इट कम्स टू 13.3%। सो इट इज 40,000 इज पेड टू हाउ मच, टू 3,00,000, इट रिमेन्स 13.3, दैट मीन्स 0.133। परिवर्तन किस में आया, लीवरेज के कारण इक्विटी में सिर्फ परिवर्तन आ रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब आप ये परिवर्तन हो गया हमारा, ये परिवर्तन हो गया हमारा, ये परिवर्तन हो गया, क्या क्या हुआ हमारा, ये डेट 4,00,000 में से 1,00,000 हो गया, इक्विटी 3,00,000 हुआ, ये 10% हुआ, ये 30.133 ओवरऑल कैश फ्लो कैपिटल इवेंट्स, 12.5%। ठीक, नाउ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू, कंपैरिजन बिटवीन दीज टू, आपने नेट इनकम में देखा कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे पर बढ़ता घटता है, यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर आपका कॉन्स्टेंट है। जैसे जैसे आप लीवरेज पे आते हैं, जैसे जैसे आप कंपोजिशन में चेंज करते हैं, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोजिशन में भी चेंज आना शुरू हो जाता है। पर यहां पर जैसे आप भले ही कंपोजिशन में परिवर्तन करें, इवन इफ यू गो फॉर चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग वन एंड डिक्रीजिंग द अनदर वन, ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर इज नॉट अफेक्टेड। नंबर टू, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन नेट इनकम अप्रोच चेंजेस विथ लीवरेज, हेयर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डजंट चेंज, देयरफॉर नेट ऑपरेटिंग इनकम कॉन्सेप्ट इज दैट इज नोन एज देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ लीवरेज ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर।
ओके थैंक यू.